नमस्कार दोस्तों, 29 मई 2021 की डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज़, सेंटर ओपन CAA लाइक सिटीजनशिप विंडो इन 5 स्टेट्स। CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा राज्यसभा से पास कराने के बाद प्रेसिडेंट की सिग्नेचर मिल चुके हैं, लेकिन किसी भी एक्ट को पास कराने के बाद उस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ग्राउंड लेवल के जो नियम होते हैं ना, वो सरकार बनाती है। और प्रॉब्लम यह है कि इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को इम्प्लीमेंट करने के लिए नियम अभी हमारी केंद्र सरकार ने बनाए नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, बहुत पॉलिटिकल मुद्दा है। आसाम की पॉलिटिक्स, वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम विवाद, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए सरकार कहीं ना कहीं झिझक रही है इनमें नियम कानून बनाने में, या फिर हो सकता है कोई अपॉर्चुन मोमेंट का इंतजार कर रहे हो। अभी पॉलिटिक्स हाई लेवल की अलग ही लेवल पे काम करती है, उसको छोड़िए। उसके अलावा भी इस एक्ट को अलग हटा दिए, 2019 के अंदर ये नियम कानून लागू नहीं किए गए हैं। अभी रिसेंटली फ्राइडे को एक गेजेट नोटिफिकेशन के थ्रू केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकारों को ताकत दी है, और बेसिकली 5 स्टेट्स की सरकारों को, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन 5 स्टेट्स की 13 डिस्ट्रिक्ट्स में ताकत दी गई है कि ये लोग वेरीफाई कर सकते हैं और अप्रूव कर सकते हैं सिटीजनशिप उन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के मेंबर की जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं। हम सबको पता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ हद तक बांग्लादेश में भी माइनॉरिटीज़ को काफ़ी परेशान किया जाता है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ को परेशान करने का जो रेट है थोड़ा कम है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो भाई जीने नहीं देते उनको। तो इस नोटिफिकेशन में सिख्स, हिंदूस, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस, ये वो कम्युनिटी हैं जिनको माइनॉरिटी कम्युनिटी माना गया है। और इन 5 स्टेट की 13 डिस्ट्रिक्ट्स को अथॉरिटी दी गई है कि अगर भाई कोई एप्लीकेशन करता है तो उस एप्लीकेशन को आप कंसीडर कर सकते हो उस पर्टिकुलर पर्सन को इंडिया की सिटीजनशिप देने के लिए। ये जो ऑर्डर इशू हुआ है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर इशू नहीं हुआ है, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर इशू हुआ है और सिटीजनशिप रूल्स 2009 के अंदर इशू हुआ है। 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये ऑर्डर इशू इसलिए नहीं हो सकता, रीजन बिंग अभी तक इसके रूल्स फ्रेम नहीं किए गए हैं। और इस प्रकार के पहले भी ऑर्डर निकले हैं, ऐसा ही एक ऑर्डर 2018 में भी निकाला था केंद्र की सरकार ने, जब बहुत सारे स्टेट्स की डिस्ट्रिक्ट्स को इस प्रकार की ताकत दी गई थी कि अगर उनको सही लगता है तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो कि इन 3 देशों की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनको इंडिया की सिटीजनशिप दी जा सकती है। बेसिकली जो ताकत है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सरसाइज की है अंडर सेक्शन 16 ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 टू बी प्रिसाइज। और इसमें ये बोला गया है कि एक कलेक्टर भी इस ताकत को एक्सरसाइज कर सकता है अगर केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को एम्पावर करती है ये करने के लिए। और यहाँ पे हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीस जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हैं, उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन देके भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। ठीक है भाई, ओके। 2019 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था उसको इस बात पर क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई मुस्लिम्स को क्यों नहीं आप अलाउ कर रहे हो। तो अब ऑब्वियसली बात है, सरकार का ये लॉजिक है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में ज़्यादातर मुस्लिम्स ही रहते हैं, और प्रॉब्लम ये है कि उन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक हालत ख़राब है तो वहाँ के नागरिकों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं पाती, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के चलते बहुत सारे मुस्लिम्स जिनको परसिक्यूट नहीं भी किया जा रहा वो भी इंडिया में आ जाएंगे। तो इस बेसिस को मुस्लिम्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन फिर भी इस एक्ट का बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो देश में अपोजिशन हुआ है, वो तो कोरोना की क्राइसिस के बाद ज़्यादा आप कह सकते हो कि अपोजिशन किया नहीं जा सकता क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ें आ गई हैं। अपोजिशन भी इसके ऊपर काफ़ी सरकार को खींचा है और अभी तक इसके ऊपर कोई भी नियम कानून बनाए नहीं गए। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आपके जो भी जेन्युइन डाउट्स हैं जो कि आप मुझे मैसेजेस के थ्रू भेजते हो, अगर मुझे अच्छे लगे तो मैं उनके ऊपर वीडियोस बना के आपके डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसलिए कुछ ऐसे डाउट्स भेजिए जो कि थोड़े यूनिक हो। अच्छा, जिन डाउट्स के ऊपर मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूं, आप UPSC जो प्रिपरेशन टिप्स हैं और जो डाउट सॉल्विंग शॉर्ट्स वाली प्लेलिस्ट हैं उसकी वीडियोज़ को देख लीजिए, छोटी छोटी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट की वीडियोज़ हैं। तो अगर वहाँ पे सिमिलर डाउट्स डिस्कस हो चुके हैं तो उनको दोबारा मत पूछिए, जो कि सेम चीज़ रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की PDF के लिए और लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए, सही लगे तो ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंडर मिड डे मील स्कीम। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये अप्रूवल कर दिया प्रपोजल कि 11.8 करोड़ स्टूडेंट्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू
मिड डे मील स्कीम के अंदर जो कुकिंग कॉस्ट कंपोनेंट के लिए जो पैसा एलोकेट किया जाता है वो दे दिया जाएगा। आपको पता है कि कोरोना के पैंडमिक के चलते स्कूल बंद है, तो लोग स्कूल जा नहीं रहे, तो स्कूलों में खाना बन नहीं रहा, तो खाना बनने की जो कुकिंग कॉस्ट कंपोनेंट है ये सरकार के पास पड़ी हुई है। अब एज अ स्पेशल वेलफेयर मेजर सरकार ये पैसा DBT के थ्रू बच्चों के पास पहुंचाएगी। अब आप सोचोगे कि बच्चों के पास तो अकाउंट नहीं है, ना बच्चों के पास ये समझ है कि पैसे कैसे ख़त्म किए जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है ये पैसे उनके माँ बाप के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे और इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी की गवर्नमेंट को दी जाएगी। ऑब्वियस सी बात है चूँकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से पैसा जाना है तो राज्य की सरकारों को प्रॉपर केंद्र की सरकार को रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि हाँ भाई इतने लोगों के पास पैसा चला गया, इतने लोगों के पास पैसा नहीं गया। कहीं ना कहीं मिड डे मील प्रोग्राम को फिलिप दे रहा है और अभी लोगों की फूड सिक्योरिटी को पूरा करने के लिए और फूड इनसिक्योरिटी हटाने के लिए सरकार ने और भी स्कीम चलाई है। फेयर प्राइस शॉप्स के अंदर जो गरीबों को स्पेसिफिक अनाज मिलता है उससे एक्स्ट्रा अनाज 5 kg पर पर्सन पर महीना 80 करोड़ बेनिफिशरीज को बांटा जा रहा है अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। फेयर प्राइस शॉप्स के अंदर जो नॉर्मल एलोकेशन है वो तो बांटा ही जा रहा है, उसके साथ साथ 11.8 करोड़ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के अकाउंट में 1200 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया जाएगा अंडर मिड डे मील स्कीम कुकिंग कॉस्ट कंपोनेंट का जो पैसा होता है। इससे न्यूट्रिशन लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन को मनाया जा सकता है, उनको एड प्रोवाइड की जा सकती है। इस पैंडेमिक के समय में अच्छा खाना मिलने से इन बच्चों के शरीर में अच्छी इम्यूनिटी आएगी और अगर इनको कोई बीमारी होती तो ये उसको टैकल कर सकते हैं, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा स्टेप है। ठीक है ना भाई, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। मिड डे मील स्कीम की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक काम करता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1995 में इसको लागू किया गया था। एक स्कूल मील प्रोग्राम है जहाँ पे स्कूल एज चिल्ड्रन है उनको माँ बाप स्कूल भेजें। आप देखिए जिनके घरों में खाने तक को नहीं होता उन घरों में नॉर्मल कर माँ बाप बच्चों को स्कूल सिर्फ इसलिए भेज देते हैं कि भाई इनको खाना मिल जाएगा एक समय का अच्छा, तो कम से कम इसी बहाने जो बच्चा पढ़ने वाला होगा उसको पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है ना, बच्चे स्कूल जाएंगे कुछ तो सीखेंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम में फ्री लंचेस प्रोवाइड किए जाते हैं वर्किंग डेज पे बच्चों को प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासेस में। गवर्नमेंट एडेड लोकल बॉडी इलेक्शन एजुकेशन गारंटी स्कीम एंड अल्टरनेटिव इनोवेशन एजुकेशन सेंटर्स में वो मदरसास और मकतब्स जो कि सर्व शिक्षा अभियान और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कूल के अंदर आते हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर चलाया जाता है, वहाँ पे भी इस प्रकार का खाना प्रोवाइड किया जाता है। तो लगभग आप कह सकते हो कि 12,65,000 स्कूल्स और एजुकेशन गारंटी स्कीम सेंटर्स में 1,20,00,000 चिल्ड्रन को इस प्रकार के आप कह सकते हो मतलब ये स्कीम को बेनिफिट 12,65,000 स्कूल और एजुकेशन गारंटी स्कीम के अंदर मिड डे मील स्कीम का बेनिफिट मिलता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट में न्यूज़ आपको काम आएगी। और इस प्रकार की जो मिड डे मील स्कीम है ऐसी पहली स्कीम चालू की थी तमिलनाडु ने और उसके बाद पूरे देश में इसको चालू कर दिया गया है। अभी भी बहुत सी राज्य की सरकारें माँ बाप के अकाउंट में पैसा डाल रही हैं ताकि वो बच्चों की न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को पूरा कर सकें और केंद्र की सरकार की तरफ से भी अब पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, तो काफ़ी अच्छा स्टेप है। फिर बात करते हैं MPLADS की। ये स्कीम बंद हो गई थी उसको फिर से चालू होने की डिमांड हो रही है। MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, तो भैया जो कांग्रेस लीडर हैं लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से बोला है कि भाई ये जो MPLADS स्कीम जो कि आपने अभी के लिए रद्द कर दी इसको फिर से चालू करो और MPs को MPLADS फंड्स अवेलेबल करवाइए। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये जो डिवीज़न है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट डिवीज़न, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ये MPLADS स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। इस स्कीम के अंदर हर MP को ये चॉइस दी जाती है कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सजेस्ट कर सके सालाना 5 करोड़ रुपए तक का खर्चा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहाँ पे कैसे किया जाए। मतलब कि सालाना 5 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिकमेंड कर सकता है वर्क के लिए। मतलब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर के विलेज के ऊपर अपना कोई काम चलवाना चाहता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोलेगा कि भाई देखो तुम्हारे पास इतना पैसा आया है इस स्कीम से ये पर्टिकुलर चीज इंप्लीमेंट करवा दो। समझ गए, अगर लोकसभा का MP है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी डिस्ट्रिक्ट के विलेज में वो ऐसा करेगा, अगर राज्यसभा का मेंबर है तो जिस स्टेट से वो राज्यसभा का मेंबर चुना है उस स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट में वो प्लान चला सकता है या किसी एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में चला सकता है चूंकि 5 करोड़ रुपया ज़्यादा होता है, और किसी भी प्रकार का प्लान हो सकता है, कोई कुआं बनवाना हो सकता है, कोई स्कूल की बिल्डिंग बनवाना हो सकता है, कोई हॉस्पिटल का वार्ड बनवाना हो सकता है, इस प्रकार का कोई भी प्लान चलवा सकते हैं ये लोग। फिर लोकसभा और राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो देश के किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार का प्लान चला सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी स्कीम है। जो सच में MP काम करना चाहते हैं ग्राउंड लेवल पे उनको एक लेवरेज दी गई कि वो इस प्रकार से काम कर सकते हैं। एक फुल्ली फंडेड स्कीम है, पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार की तरफ से आता है,
ठीक है ना। एमपीज हर साल काम को रिकमेंड करते हैं, ओके। और एमपी लेड फंड्स का जो पैसा है उसका 15% पैसा वो इलाके जहाँ पे एससी पॉपुलेशन रहती है उनके लिए रहना चाहिए, और 7.5% पैसा वो इलाके जहाँ पे एसटी पॉपुलेशन रखती है उनके लिए रहना चाहिए। और फंड ग्रांट इन एड्स की तरह दिए जाते हैं सीधे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को, और इनका प्रॉपर ऑडिट भी होता है, याद रखिएगा। और एमपीज के पास ये पैसा नहीं जाता है, एमपी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को बताती हैं कि तुम ऐसे पैसा ख़त्म करोगे, तो अकाउंटेबिलिटी है प्रॉपर। प्लस ये फंड नॉन लैप्सेबल है। नॉन लैप्सेबल का मतलब ये हो गया कि मान लो कि किसी एक साल में किसी एमपी ने 5 करोड़ में से 3 ही करोड़ रुपए ख़त्म किया, तो 2 करोड़ लैप्स नहीं होगा, वो 2 करोड़ फिर अगले साल उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ताकि वो अगले साल 5 करोड़ की बजाय 7 करोड़ ख़त्म कर सके, ठीक है। और हर साल जितने भी प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हुए हैं उसके कम से कम 10% प्रोजेक्ट्स को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ मॉनिटर भी कर सकती हैं, इंस्पेक्ट भी कर सकती हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर फंक्शनिंग में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है परमानेंट कमीशन फॉर इसराइल एंड पैलेस्टीन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से बोला है कि एक परमानेंट कमीशन सेटअप करिए। किसके लिए? ये जो इसराइल गाजा और वेस्ट बैंक का इलाका है इसके लिए परमानेंट कमीशन सेटल करिए, और ये परमानेंट कमीशन इस बात के ऊपर शोध करेगा कि इन इलाकों में कहीं ह्यूमन राइट वायोलेशन तो नहीं हो रहे। खासकर जो इसराइल पेलेस्टीन का एक कन्फ्लिक्ट हुआ है, अगर यहाँ पे इस प्रकार का कोई परमानेंट कमीशन बना दिया जाता है तो वो पेलेस्टीनियंस के ऊपर भी नज़र रखेगा और इसराइल के ऊपर भी नज़र रखेगा, खासकर इसराइल के ऊपर नज़र रखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहे हैं वो इसराइल की तरफ से हो रहे हैं। तो ये जो प्रपोज्ड परमानेंट कमीशन है ना, एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी होगी, ठीक है ना, और इसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के द्वारा। ये कमीशन इन्वेस्टिगेट करेगा वायोलेशंस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमन राइट्स लॉस जो कि इसराइल और पेलेस्टीन में हो रहे हैं। यही कमीशन ऑथराइज कर सकता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी। कमीशन ऑफ इंक्वायरी इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी, मतलब कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ी गलत चीज़ हो जाती है तो ये जो परमानेंट कमीशन होगा वो एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठा सकता है उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, और उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी में देखा जाएगा कि भाई कोई बवाल शुरू हुआ, कोई केओस, कोई लड़ाई शुरू हुई, कोई फाइट शुरू हुई, तो क्यों शुरू हुई और उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। और इस प्रकार की जो स्क्रूटनी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार करी जा रही है कहीं दुनिया में, ऑलरेडी सीरिया का जो वॉर चल रहा है ना वहाँ पर इस प्रकार का कह सकते हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी बहुत लंबे समय से काम चल रही है। सीरिया में जो भी वॉर क्राइम्स होते हैं, जो भी ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, अटैक होते हैं, इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है सीरिया की, वो लगातार एविडेंस ढूंढने की कोशिश करती है इस उम्मीद में कि कल की डेट में मान लो किसी इंटरनेशनल कोर्ट में सीरिया वॉर क्राइम्स के ऊपर कोई केस चलता है तो यहाँ पे कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने जो भी एविडेंस इकट्ठा किए इनको इस्तेमाल किया जाएगा। अभी के लिए तो जो सीरिया का मुद्दा है वो बिल्कुल अनसॉल्वेबल नजर आ रहा है, और सीरिया से रिलेटेड न्यूज़ भी है आज, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन की बात करते हैं, इसको पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस भी बोलते थे, 1969 में बनाए, 57 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। टोटल पॉपुलेशन एज ऑफ 2015 है 180 करोड़, 1.8 बिलियन, इसमें 49 कंट्रीज हैं और ज़्यादातर जो देश हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं। सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनाइटेड नेशंस के बाद, एंड दिस इज बेसिकली द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन काम करता है, प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस को, हारमोनी को। इसको एस्टैब्लिश किया गया था फॉलोइंग अ समिट इन रबात, किंगडम ऑफ मोरक्को, हेडक्वार्टर इसका जेड्डा सऊदी अरेबिया में। इंडिया ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन का मेंबर नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। भले ही इंडिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन वन ऑफ द लार्जेस्ट है आप कह सकते हो दुनिया में, उसके बावजूद भी इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, बशर अल असद री इलेक्टेड फॉर द फोर्थ टर्म। वॉर सेवेज्ड सीरिया में फिर से बशर अल असद को यहाँ पे लीडर चुन लिया गया है, और जब इनको लीडर चुना गया तो वेस्टर्न कंट्रीज ने इनको अपोज किया। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि ये जो इलेक्शन हुआ है जिसमें बशर अल असद फिर से लीडर चुन लिए गए हैं, ये इलेक्शन फेयर नहीं था। मैं आपको बता दूं, बशर अल असद 2000 से ताकत में है सीरिया में। इससे पहले इनके पिताजी राज करते थे, इनके पिताजी का नाम था आपका हाफिज अल असद। हाफिज अल असद ने सीरिया में 30 साल राज किया है, फ्रॉम 1971 टू 2000, और जब इनकी मृत्यु हो गई हाफिज अल असद की, उस समय पे फिर एक रेफरेंडम हुआ और उस रेफरेंडम में ये डिसाइड किया गया कि बशर अल असद विल लीड सीरिया, ठीक है। सीरिया में आप कह सकते हो कि पिछले 2000 से लेकर 2021 तक बशर अल असद का राज है,
बट कहीं ना कहीं अब सीरिया में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स डोमिनेट हो गए हैं। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने और टेररिस्ट ग्रुप्स ने अलग अलग इलाकों पे कब्जा कर रखा है। टर्की, रशिया, यूएसए, दुनिया भर की कंट्रीज यहाँ पे आ गई हैं। तो बहुत ही प्रॉपर किस्म की केओस मची हुई है। पिछले 10 साल की जंग में 388,000 लोगों की जान गई सीरिया में। मिलियंस की तादाद में लोग आप कह सकते हो डिस्प्लेस हुए हैं। कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बर्बाद हो चुका है। ओके, तो ऐसे केस में यहाँ पे ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो अपोजिशन है सीरिया का वो कह रहा है कि बशर अल असद का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल गलत है, और वेस्टर्न कंट्रीज तो कहीं नहीं। मैं आपको बता दूँ, वेस्टर्न कंट्रीज सीरिया में रेबल्स को सपोर्ट करती हैं। सीरिया को सपोर्ट कौन करता है? तो रशिया जैसी कंट्रीज सीरिया को यहाँ पे सपोर्ट करती हैं। अगर आप सीरिया की बाउंड्री की बात करो, तो एक क्वेश्चन सीरिया के मैप से रिलेटेड 3-4 साल पहले यूपीएससी में भी आया था कि मेडिटेरेनियन सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर बनाती थी। तो सीरिया का बॉर्डर ऑब्वियसली बनता है मेडिटेरेनियन के साथ, लेबनन का बॉर्डर बनता है, ठीक है, इसराइल का बॉर्डर बनता है। केवल अगर आपको ये पता होता कि सीरिया का बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी के साथ बनता है, तो आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। तो इस प्रकार की जो लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है। अगर सीरिया का बॉर्डर देखा जाए तो पूरा का पूरा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर सीरिया का टर्की के साथ लगता है। जो ईस्टर्न बॉर्डर है सीरिया का वो लगता है इराक के साथ। जो सदर्न बॉर्डर है वो लगता है जॉर्डन के साथ, और एक बॉर्डर इसका लगता है आपका इसराइल के साथ। इसराइल ने जो गोलन हाइट्स वाला इलाका है ना सीरिया का, इसको कब्जा रखा है। तो बहुत मुश्किल है कि अब सीरिया को एक गोलन हाइट्स मिल पाएगा। और लेबनन के साथ भी बाउंड्री लगती है यहाँ पे सीरिया की। यहाँ पे इनका एक आइकॉनिक शहर है डमास्कस। बहुत सारे शहर से, देखिए ये जो शहर है ना आपके सीरिया के, डमास्कस बोल लीजिए, रक, ये आप इडलिब बोल लीजिए, डमास्कस हो गया, इडलिब हो गया, इस प्रकार के जो शहर हैं आपके सीरिया के, दे आर हिस्टोरिकली वेरी रिच। अरब कल्चर में इन शहरों को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। वो अलग बात है कि अब यहाँ पे तबाही मची हुई है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांस रोल इन रवांडन जेनोसाइड। पहली बात तो यहाँ पे रवांडा का मैप देख लीजिए। ये जो छोटी सी कंट्री आपको यहाँ नजर आ रही है ना, एक मिनट में जरा फिर से मार्कर ऑन कर लूँ, स्लाइड चलाओ तो मार्कर बंद हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो छोटी सी कंट्री आपको नजर आ रही है ये, ठीक है, दिस इज बेसिकली रवांडा, छोटा सा देश है। और यहाँ पे कहीं पे एक शहर है किगाली। किगाली अग्रीमेंट तो सुना होगा ना। चलिए किगाली अग्रीमेंट यहाँ पे टॉपिक नहीं। रवांडा शहर के नॉर्थ में आता है आपका युगांडा, वेस्ट में आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ में आता है बुरुंडी, और ईस्ट में आता है तंजानिया। तो रवांडा इज अ लैंड लॉक कंट्री। नॉर्थ में युगांडा, ईस्ट में तंजानिया, साउथ में बुरुंडी और वेस्ट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये 4 कंट्री से घिर के बना हुआ है आपका रवांडा, ठीक है। रवांडा के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन ने रिकॉग्नाइज किया है अपने कंट्री के रोल को, किसमें, रवांडन जेनोसाइड में। रवांडा में एक जेनोसाइड हुआ था 1994 में, ठीक है ना, और उसके लिए एक मेमोरियल बनाने की बात की है किगाली में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन ने, अपनी गलती मानने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि रवांडा भी आप कह सकते हो कि बहुत हद तक ट्राइबल सोसाइटी है, और वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स हैं। इसमें 2 ट्राइब्स की बात की जा रही है, एक टुट्सी ट्राइब है और एक हुतू ट्राइब है, ठीक है। अब हुआ ये था कि जो उस समय के रवांडन प्रेसिडेंट थे 1994 में, इनका नाम था जुवेनल हाबियारिमाना। ये एक हुटू कम्युनिटी के इंसान थे। इनके प्लेन को नीचे गिरा दिया गया, ठीक है ना, किगाली एयरपोर्ट से जब ये उड़ा 6 अप्रैल 1994 को, और इसमें जो प्रेसिडेंट थे जुवेनल हाबियारिमाना, इनकी हो गई मृत्यु, ठीक है भाई। उस समय पे एक फ्रांस के जज ने ये ब्लेम किया कि पॉल कगामे मतलब ये उस समय पे लीडर थे तुत्सी रेबल ग्रुप के। और मैं आपको बता दूं कि पॉल कगामे करंट प्रेसिडेंट है रवांडा के। तो पॉल कगामे इस समय पे करंट प्रेसिडेंट है रवांडा के, और पॉल कगामे उस समय पे तुत्सी रेबल ग्रुप के लीडर थे। और यहाँ पे पॉल कगामे के ऊपर और इनके एलाइज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो रॉकेट अटैक हुआ था किसके प्लेन पे, जुवेनल हाबियारिमाना के प्लेन पे, जो कि 1994 में प्रेसिडेंट थे हुतू कम्युनिटी के थे, ये अटैक करवाया था पॉल कगामे ने। पॉल कगामे ने सीधे सीधे इस बात को रिजेक्ट कर दिया। पॉल कगामे ने बोला कि मैंने कोई अटैक नहीं करवाया है, ये अटैक हुतू एक्सट्रीमिस्ट ने करवाया है। हुतू एक्सट्रीमिस्ट इस प्रकार का इल्ज़ाम लगाकर अपने ही प्रेसिडेंट को मारकर तुत्सी कम्युनिटी के लोगों को एलिमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन आप देखो, जब उस समय पे ये काम हुआ ना, जब तुत्सी कम्युनिटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि हुतू कम्युनिटी के प्रेसिडेंट को मार दिया गया, उसके बाद एक कैंपेन ऑफ वायलेंस शुरू हुआ। 3 महीने तक ये कैंपेन ऑफ वायलेंस चला, और इसमें आप कह सकते हो 7 अप्रैल से लेके 6 अप्रैल को मृत्यु हुई प्रेसिडेंट जुवेनल
खबरी माना कि 7 अप्रैल से लेकर मिड जुलाई 1994 तक 8 लाख रवांडन्स को मार दिया गया जो कि कहीं ना कहीं तुत्सी कम्युनिटी के थे, और इसमें हुतु मेजॉरिटी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था। मतलब हुतु मेजॉरिटी गवर्नमेंट ने हुतु सेंटीमेंट का फायदा उठा के तुत्सी कम्युनिटी के 8 लाख लोगों को यहाँ पे मार दिया। एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ। अब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे फ्रांस के ऊपर इस बात का इल्ज़ाम लगाया गया कि फ्रांस ने हुतु मेजॉरिटी लीडर्स का साथ दिया है इस जेनोसाइड को कंडक्ट करने में, ठीक है ना, ये बात यहाँ पे बोली गई। ओके, फ्रांस ने शुरुआत में तो इस चीज़ को मना किया, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही थी कि 1994 के सिविल वॉर के दौरान फ्रांस ने फोर्सेस भेजी थी, ठीक है ना, क्योंकि इनको लगा था कि हो सकता है तुत्सी रेबल्स हुतु मिलिशिया को हरा दें। तो हुतु प्लॉटर्स जो कि जेनोसाइड प्लॉट कर रहे थे यहाँ पे ये तुत्सी कम्युनिटी के लोगों का, तो इन हुतु प्लॉटर्स को बहुत हद तक फ्रांस ने बचाया, बहुत सारे लोगों को फ्रांस में शरण भी दी गई, ठीक है ना। एक्चुअली में लोग ब्लेम करते हैं कि फ्रांस ये जानता था कि हुतुस तुत्सी कम्युनिटी के लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं फ्रांस ने इंटेंशनली हुतुस के लीडर्स की मदद की अपने इस विशेष प्रोपेगेंडा को पूरा करने में। तो मतलब कि अगर ये जो हुतु कम्युनिटी के लोग तुत्सी कम्युनिटी के लोगों को मार रहे थे, इस चीज़ को कहीं ना कहीं फ्रांस रोक सकता है, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है यहाँ पे फ्रांस के ऊपर। और फ्रांस ने हुतु कम्युनिटी के इन लीडर्स को मदद दी, असाइलम दिया, प्रोटेक्ट किया, ये भी इल्ज़ाम लगाया गया फ्रांस के ऊपर। इसीलिए आप यहाँ पे देखोगे कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहीं ना कहीं ये बात मानी है कि हाँ भाई, इस रवांडन जेनोसाइड 1994 में जहाँ पे तुत्सी कम्युनिटी के लोगों को इतने बड़े नंबर से मारा गया, कहीं ना कहीं इसमें फ्रांस की सरकार ने हुतु मेजॉरिटी लीडर्स का सपोर्ट किया था, और हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं, और अपनी माफ़ी के लिए हम एक मेमोरियल बनाना चाहते हैं किगाली में, ठीक है। ये बात यहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल, जो कि मैं बोलूँगा कि काफ़ी एथिकल स्टेटमेंट, अगर इस प्रकार के एथिकल स्टेटमेंट्स देने लग जाएं लीडर्स, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी कह सकते हैं ना हिस्टोरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है, ये आपको जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में काम आएगी। तो आज का यही इतना ही करंट अफेयर्स है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी बच्चे कुछ हैं, मैं छोटे छोटे वन लाइनर्स में कवर कर दूंगा। थोड़ी वीडियो कल परसों में कम हो गई है, मैं जल्दी ही और वीडियोज़ डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।